हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिली पनीर टिक्के की एक डिलीशियस रेसिपी। इसको मैं दो तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में और परफेक्ट तरीके से स्ट्रीट स्टाइल चिली पनीर टिक्का आप घर पर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए जीरा हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। अब इसी गर्म तवे पर हम ये 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। अब इसको अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। वाओ, ये देखिए बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। भुना हुआ बेसन हमने इस बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से क्रश करेंगे, इसमें डाल देंगे। क्रश करने से होगा ये कि बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी ये बेसन में। 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/4 टीस्पून लाल नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। इस तरीके से हाथों पर इसको रब करके इसमें मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच भर के आपको इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था इसका, और इसको भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। इसको डालने से हमारे टिक्के का जो पेस्ट बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। 2 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल। इसको हमने अच्छे से गर्म करके डाला है, धुआं निकलने तक इसको गर्म करेंगे। 2 टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे दही। दही से बहुत ही अच्छा इसका मसाला बनकर तैयार होगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा उसका। अब इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिल जाने चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने मसाले को रेडी कर लिया है। इसी स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये अपने घर में बना रही हूँ। जब आप इस टिक्के को बाहर खाते हैं तो उसमें कलर पड़ा होता है, आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। अब ये जो शिमला मिर्च ली है उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी वे है टिक्का बनाने का, झटपट हमारा टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी स्टेज पे हम जो हमने प्याज को कट करके लिया है वो भी डाल देंगे। इसमें मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी और 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, और उनको इस तरीके से बड़ा बड़ा हमने कट करके लिया है, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं प्याज के ऊपर और हमारे शिमला मिर्च के ऊपर, बहुत ही अच्छे से मसाला लग चुका है, ये देखिए आप। अभी हमने इसमें पनीर नहीं डाला था क्योंकि जब हम इस तरीके से इसको मिक्स करते हैं तो जो हमारा पनीर है उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। अब हम इसमें धीरे से अपना पनीर भी डाल देंगे और इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला पनीर, प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर बहुत ही अच्छे से लग चुका है। अब इस मिक्सर को 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करने के बाद या तो आप फ्रिज में रख दीजिए या रूम टेम्परेचर पर ही रहने दीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखिए लगभग 20 मिनट के बाद सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब ये टिक्का बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है मसाला हमारा। अब हम इसको स्टिक पर लगा लेंगे। स्टिक पर लगाने से पहले हम इसमें एक कमाल का टिप देने जा रहे हैं आपको, वो है इसमें हम सबसे पहले एक
आलू लगाएंगे। इस तरीके से काट करके एक आलू लगा लीजिए ताकि ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी चीजों को लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर लिया है। इसको मैंने एल्यूमिनियम वाली स्टिक में सेट किया है और कुछ को मैंने लकड़ी वाली स्टिक में सेट करके आपको दिखाया है। आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर लें। और अब मैं आपको देने वाली हूँ एक कमाल का टिप। इन टिकों को हम दो तरीके से सेकेंगे, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। इस तरीके से इसको स्प्रेड करते हैं पूरे में। अब हम ये जो हमने टिक्के रेडी किए थे उसको मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर सेकेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है, इससे आपके टिक्के बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए एक मैंने कमाल का टिप आपको बताया था आलू वाला। अगर आपके सेट ना हो पा रहे हो तो इस टिप को आप जरूर फॉलो करिएगा। ये देखिए सेकंड स्टेप है, इसमें मैंने जुगाड़ से, ये है इंडियन जुगाड़, इसके ऊपर इस तरीके से हम अपना तंदूर बना लेंगे इसको। और इसमें जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत ही यमी टेस्ट आएगा इसका। इस तरीके से भी आप सेक सकते हैं और इस तरीके से भी आप अपने टिक्का को सेक सकते हैं। इस तरीके से इसको अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान रखें कि ये नीचे लगे नहीं और ना ही जले, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और इसको भी पलटने का देखिए, एक साथ दोनों टिक्के हमारे तैयार हो रहे हैं। ये स्मोकी फ्लेवर में है और ये पैन फ्लेवर में आएगा आपका। इस तरीके से चारों तरफ अलट पलट कर हम अपने टिक्के को सेक लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए सारे टिक्के अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए वाव, कितना माउथ वाटरिंग है ना, ये आ गया ना मुंह में पानी। तो फटाफट से बनाइए इसको और खाइए। और हमारा भी ये टिक्का बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। वाव, ये देखिए कितने डिलीशियस पनीर चिली टिक्का हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें हम इंजॉय करेंगे चिली सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। आप भी इनको बनाइए और खाइए। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लग रही है ना सुपर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।